खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए आधा किलो सरसों ली है, 250 ग्राम बथुआ लिया है, 100 ग्राम मेथी ली है, 250 ग्राम पालक ली है। सबसे पहले साग को साफ कर लेंगे, इनसे टहनियाँ हटा देंगे, पत्ते पत्ते ले लेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सरसों के साग से टहनियाँ हटा दी हैं, पत्ते पत्ते रख लिए हैं। इसी तरीके से पालक, बथुआ और मेथी को भी साफ़ कर लेंगे। साग को अच्छे से साफ़ कर लिया है, अब इसको 2-3 बार अच्छे से धुलेंगे, जिससे इसमें जो भी मिट्टी हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। साग को अच्छे से धुल के इसका सारा पानी सुखा लिया है, देखिए इसमें बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं है। अब साग को एकदम बारीक बारीक काटेंगे। इसी तरीके से सारा साग काट के तैयार कर लेंगे। सारा साग बारीक काट लिया है, साग को प्रेशर कुकर में डालेंगे। साग में 1 कप पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 हरी मिर्ची और 2 लहसुन के जबे लिए हैं उनको बारीक काट लिया है, 1 चम्मच अदरक उसको कद्दूकस कर लिया है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, साग को 2-3 सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर में प्रेशर ख़त्म हो गया है, ढक्कन खोल के साग को चेक कर लेते हैं। देखिए साग अच्छे से पक गया है। साग को पहले हल्का सा मैश करेंगे इस तरीके से। साग चमचे की मदद से अच्छे से मैश हो जा रहा है। 3 चम्मच मक्के का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका एक घोल बनाएंगे। गुठलियाँ ख़त्म होने तक अच्छे से फेंटते रहेंगे। गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। मक्के के घोल को अब साग के अंदर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। देखिए साग की इस तरीके से कंसिस्टेंसी रखी है। अब साग को 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। साग को इस तरीके से घोटते हुए पकाएंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। कुकर को प्लेट से ढक देंगे, जिससे कि साग की छींटें बाहर निकल के ना आए। साग को बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि साग कुकर की तली में चपक के जले ना। 20 मिनट हो गए हैं, साग को मक्के के आटे के साथ में पकते हुए खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है, यानी कि अब साग अच्छे से पक गया है। साग में तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से तड़के का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें 4-5 कलियां लहसुन की डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 हरी मिर्ची डालेंगे, 2 लाल मिर्ची डालेंगे, 4-5 पिंच हींग डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़का बनके तैयार हो गया है, अब इसको साग के ऊपर डालेंगे। सरसों का साग सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।